वो वास्तविक इतिहास नहीं है। वास्तविक इतिहास ब्रिटिश लोगों के समय में ढूंढा गया, उन्हें जिज्ञासा थी। वास्तविक इतिहास ये है कि उस समय विदर्भ के बुद्धिस्ट लोगों ने पुष्यमित्र शुंग का विरोध किया। जो महान राजा सम्राट अशोक का परपोता था बृहद्रथ, उसकी पत्नी महाराष्ट्र की थी और वो विदर्भ की थी, वो पौनी साइड की थी। जब बृहद्रथ वहां राज्य कर रहा था तो जो महाराष्ट्र विदर्भ की जो उसकी पत्नी थी, उसका भाई वहां पर मंत्रिमंडल में था, राजा की हत्या कर दी गई। और जो विदर्भ का आदमी वहां मगध में पाटलिपुत्र में राजा के सहयोगी था, ये विद्रोह कर सकता है, ये देखकर उसे अरेस्ट कर दिया गया। और विदर्भ के लोग विद्रोह ना करे इसलिए शुंग ने अपने मंत्री को भेजा, अपने पुत्र अग्निमित्र को भेजा और यहाँ के लोगों ने उनका मुकाबला किया। तो शुंग के मंत्री को विदर्भ के बुद्धिस्ट लोगों ने अरेस्ट किया। वहां पर भी उन्होंने दाव पेश किया इसको मार दिया जाएगा तो जो विदर्भ का जो राजा उधर है उसे खत्म कर सकते हैं। शुंग को प्रस्ताव भेजा गया कि तुम हमारे राजा को छोड़ दो, जो राजा का मंत्री है उसको छोड़ो, तब हम तुम्हें छोड़ेंगे। साथियों, विदर्भ के लोगों ने एंशियंट इंडिया में शुंग को चुनौती दिया, मगर शुंग की वर्तमान औलाद जो है वो नागपुर में रहते हैं और देश को चला रहे हैं। उनको चुनौती देने का कार्य अभी हमें करना होगा। जो वर्तमान पुष्यमित्र शुंग की औलाद है, ब्राह्मण पतंजलि और शुंग ने मौर्य के साम्राज्य में घुसपैठ किया। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि हमने सामने की लड़ाई लड़कर बुद्धिज्म को खत्म नहीं किया, बल्कि इन्हें घुसपैठ तंत्र का इस्तेमाल किया, इन्फिल्ट्रेशन किया और मौर्य साम्राज्य को मारने के लिए राजा के सैन्य में घुसकर सेनापति बनकर टुकड़े टुकड़े करके हत्या की। इसलिए ब्राह्मण लोग जो बताते हैं मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ वो सच नहीं है, बल्कि भिक्षु संघ में और सम्राट अशोक मौर्य के परपोता बृहद्रथ के सैन्य में ब्राह्मण घुसने से भारत से बुद्धिज्म खत्म हुआ। ये बात हमारे लोग भूल रहे हैं या हमारे लोग भूल चुके हैं, मगर शुंग के लोग नहीं भूले। शुंग के लोग नहीं भूले इसके लिए चर्चा के लिए विषय रखा कि मोहन भागवत ने योजना बनाई कि बुद्धिज्म को मानने वाले लोग वर्ल्ड में फैले हुए हैं और जिन्हें हमने गुलाम बना के रखा है, अछूत बनाया है, 6,500 जातियों के टुकड़े में बटाया हुआ है, ये लोग ही वास्तव में भारत के मालिक है। इनकी विरासत ही जमीन के अंदर है और दुनिया के लोग इनकी विरासत को देखने के लिए आते हैं। तो कल ये विरासत भी ना बचाए, ब्राह्मणी धर्म के गुलामी से आजाद ना हो जाए और दुनिया के लोग इनके सपोर्ट में ना आ जाए, इसके लिए विदेशी ब्राह्मण भागवत ने बुद्धिस्ट लोगों को दो स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी और भारत के अंदर भी गुमराह करने के लिए एक संगठन सन 2017 में बनाया। दिल्ली में उसका पहला सम्मेलन हुआ, उसका मुख्य अतिथि रामदास आठवले थे और मोहन भागवत वास संबोधित कर रहा था। आरएसएस के द्वारा एक बुद्धिस्ट संगठन का निर्माण किया जिसका नाम है भारतीय बौद्ध संघ। पुणे के अंदर अभी पिछले माह में खबर आई, एक भंती जी एक घर में घुसे, अब उनको लगा ये भिक्कू है, वहां जाने के बाद वो वेद की स्तुति करने लगे और उन्होंने उनको यज्ञ करने के लिए कहा। ये वीडियो सोशल मीडिया में आया, ये मामला इतना गंभीर हो गया कि एक भिक्कु उपासकों के घर में घुसा और उनको वेद का महती गाने लगा। जब उन्होंने उसको पूछा वो डर के मारे भाग रहा था, इन्होंने उसको पकड़ा भी नहीं, करुणाशील है, पकड़ा भी नहीं, जाने दिया। और भारतीय बौद्ध संघ का जो प्रमुख है वो गुजरात का एक ब्राह्मण है जिसको उसने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और पुणे साइड में 4 महीने पहले उनका राज्य स्तरीय मीटिंग हुआ, प्रोग्राम हुआ
और इसके लिए वो भिक्कू आया जो नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाता है, संघ की जय जयकार करता है, वो महाराष्ट्र में आया और अमरावती नागपुर साइड के कुछ बुद्धिस्ट लोगों के नाम उसके ऊपर छापे हुए थे। शायद वो लालच या भय के कारण उधर गए हो, मगर महाराष्ट्र में भी भारतीय बौद्ध संघ का वो अपनी जड़े जमा रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर मामला है। वो उस समय बृहदत्त की मौर्य की विरासत को खत्म करना चाहते थे। आज महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी है, ये आंदोलन को तहस नहस करने का षड्यंत्र है। दुश्मन संगठित रूप से प्रयास कर रहा है, दुश्मन संगठित रूप से प्रयास कर रहा है। कितने हद तक गया कि बुद्धिस्ट लोग दावा कर रहे थे कि साकेत में जो विरासत मिली है वो बुद्धा की है। सोशल मीडिया से पता चला, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ने आंदोलन किए तो आम लोगों को भी पता चला कि कोई लड़ाई लड़ रहा है तो तथ्य है। तो इन्होंने बुद्धिस्ट लोग भी समर्थन कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे। ये दिखाने के लिए मोहन भागवत ने बुद्ध गया से भिक्कु को, जो बुद्ध गया में एक संगठन है भिक्कु लोगों का, अखिल भारतीय बौद्ध भिक्कु संघ नाम का भिक्कु लोगों का संगठन है और उसका संचालन करने वाला जो व्यक्ति है वो भूमिहार ब्राह्मण है। उसने वहां की पवित्र जगह बुद्ध गया की मिट्टी इकट्ठा की और अयोध्या के मंदिर के लिए डोनेट की, वीडियो बनाकर। यानी एक तरफ भारतीय बौद्ध संघ के नाम पर समाज को गुमराह किया जा रहा है और ऑल इंडिया में जो भिक्कु लोग है उस संस्था का सर्टिफिकेट लेते हैं जो संस्था ब्राह्मण के नियंत्रण में है। ये भिक्कु लोगों को भी मालूम नहीं है, उपासकों तो मालूम नहीं है, भिक्कु लोगों को भी मालूम नहीं है। इसलिए साथियों, ये जो राज्य अधिवेशन हम कर रहे हैं इसमें दोस्त दुश्मन की पहचान करनी चाहिए। अभी हमारे संचालन करने वाले राज्य के उपाध्यक्ष धावारे जी कह रहे थे कि राठौड़ सर कह रहे हैं ओबीसी बुद्ध धर्म की ओर, राठौड़ रमेश राठौड़ कह रहे हैं कि बुद्ध धर्म हमारा भी है, हम अलग नहीं है। तो उन्होंने हमको कहा कि ओबीसी बुद्ध धर्म की ओर आ रहे हैं, मगर बाबा साहब अंबेडकर के खानदान के कहने वाले लोग दूसरे छोड़ो, बाबा साहब अंबेडकर के खून के वारिस कहने वाले लोग कह रहे हैं जनगणना में बौद्ध मत लिखो, मार लिखो। अरे कितना उल्टा है। ओबीसी कह रहा है कि बुद्ध धर्म हमारा भी है और जो बाबा साहब अंबेडकर के नाम से संस्थाएं चला रहे थे या चला रहे हैं, चाहे ओरिजिनल तो नहीं चला रहे, फर्जी चला रहे और फर्जी बातों का प्रोपोगंडा कर रहे और महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से कर रहे, इनको कौन जवाब देगा? बाबा साहब अंबेडकर ने हमें धम्म दिया, महार बनने के लिए नहीं कहा। ये लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन की सीट कम हो जाएगी, इसलिए हमें बौद्ध के साथ साथ हिंदू महार लिखना है, हिंदू भी लिखना है और महार भी लिखना है। इसी शाम होटल में नागपुर में बाबा साहब अंबेडकर ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो संसद और विधि मंडल में जाते हैं वो अपना मुंह तक नहीं खोलते, वो मुंह तब खोलते हैं जब उनको जमाई आती है। ऐसे गधे लोगों की हमें जरूरत नहीं है। और मैं खुद अगली चुनाव में 1957 के चुनाव में मैं आरक्षित सीट पर शेड्यूल कास्ट के सीट पर उम्मीदवार के रूप पर खड़ा नहीं रहूंगा, बल्कि मैं बुद्धिस्ट हो गया हूं तो बुद्धिस्ट लोगों की तो जाति खत्म हो गई। ये ऑन रिकॉर्ड है, जो बातें ऑन रिकॉर्ड है वो लोगों बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर महाराष्ट्र के भोले समाज को गुमराह कर रहे हैं। तो गुमराह करने वाले लोगों को भी जवाब देते आना चाहिए। अंबेडकरवादी होने का मतलब सरेंडर होना नहीं है, अंबेडकरवादी होने का मतलब मंदिर में जाकर ब्राह्मण के हाथ से मूत्र गोमूत्र पीना नहीं है, सत्यनारायण करना नहीं है, अंबेडकरवादी होने का मतलब सच बात बोलना। इसलिए साथियों कि आरएसएस को चुनौती देने का कार्य बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा किया जा रहा है,
बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ही इसको चुनौती दे सकता है। दुश्मन कितना डरा हुआ है, दुश्मन इतना डरा हुआ है कि 1990 में 1991 में बाबा साहब अंबेडकर का जन्म शताब्दी वर्ष आया था, तो 1990 में दत्ता ठेंगड़ी नामक ब्राह्मण ने, जो नागपुर का ब्राह्मण था, उसने वामनराव गोडबोले को 26 अक्टूबर 1990 में खत लिखा। दत्ता ठेंगड़ी ने कौन किस व्यक्ति को खत लिखा? वामनराव गोडबोले के नेतृत्व में उन्होंने आयोजन संयोजन किया था और बड़ी धर्मांतर की सभा नागपुर में हो चुकी थी। दत्ता ठेंगड़ी कहता है उस खत में कि मैं सरसंघ चालक के सामने भाषण करने वाला हूं, और भाषण में बाबा साहब अंबेडकर ने धर्मांतर किया, कितना अच्छा किया, मैं सरसंघ चालक को बताने वाला हूं, इसलिए मुझे आपसे जानकारी चाहिए, क्योंकि आप बाबा साहब के साथ रहे थे, और मुझे पर्टिकुलर ये जानकारी चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर का कितने देश में नेटवर्क फैल गया था, कौन कौन से, नंबर दो जानकारी चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर के समर्थन में कौन कौन से देश विदेश के देशों से भिक्खु थे, कौन कौन से प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, इसकी डिटेल जानकारी मुझे चाहिए। किस लिए चाहिए? मुझे सरसंघ चालक के सामने बाबा साहब अंबेडकर का धर्मांतर पर भाषण करना है। अरे आरएसएस के लोग वामनराव गोडबोले को खत में जानकारी मांग रहे थे, वामनराव गोडबोले ओरिजिनल अंबेडकरवादी थे, जानकारी नहीं दिया। वामनराव गोडबोले ने जानकारी नहीं दिया। वामनराव गोडबोले जी के जाने के बाद आरएस गवई ने पंडित शर्मा को दीक्षा भूमि का मेंबर बनाया। ब्राह्मण को, ब्राह्मण जानकारी लेना चाहता था, जानकारी नहीं मिली, तो रासु गवई के माध्यम से शर्मा नामक ब्राह्मण को दीक्षा भूमि का ट्रस्टी बनाया। फूलझेले और वो जो नागपुर के लोग हैं, ये इनका सरनेम भी बदलना चाहिए, ये लोग गद्दार लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए। ये लोगों ने उनको रखा, हमने जैसे ही उनको एक्सपोज करना शुरू किया तो उनको लगा समिति में रखते हैं, तो भामसेब वाले लोग, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क वाले लोग हमको नंगा घोषित कर रहे हैं। तो उन्होंने योजना बनाई ब्राह्मणों ने, और वर्तमान दीक्षा स्मारक समिति के जो बदमाश लोग हैं, इन्होंने योजना बनाई कि बोर्ड पर हमारा नाम मत आने दो, मगर दीक्षा भूमि का पूर्ण रूप से संचालन हम आरएसएस के ब्राह्मण करेंगे। अब यहां से चर्चा शुरू हो रही है, यहां से लाइव हो रहा है, वो भी सुन रहे होंगे, समाज सुन रहा है, मगर नागपुर में कितनी भारी तादाद में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, मगर फिर भी उन पुष्यमित्र शुंग की औलाद बाबा साहब अंबेडकर का जो प्रेरणा स्थल है दीक्षा भूमि पर कब्जा कर चुके हैं। एक का नाम है आशीष द्विवेदी, दूसरे का नाम है डॉक्टर निर्झर कुलकर्णी, तीसरे का नाम है डॉक्टर अरविंद पी जोशी। ये तीनों लोग गडकरी और फडणवीस के दाहिने बाएं हाथ हैं, और ये लोग वहां पर आरएसएस से संबंधित लोगों को बुलाते हैं, और एक जो जोशी है ये वहां 40 बैचेस चलाता है स्पोर्ट्स की। क्या ये कार्यक्रम बाबा साहब अंबेडकर का था? बाबा साहब अंबेडकर तो ऑल इंडिया में 8 सेंटर बनाना चाहते थे, ये लोग तो आरएसएस की शाखा बनाए हुए हैं। जैसा रेशिम बाग उनका सेंटर है, उसी तरह दीक्षा भूमि को भी रेशिम बाग में बैठे हुए ब्राह्मण संचालित कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। इसलिए साथियों, जैसे हम साकेत को मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय एजेंडा चला रहे हैं, बुद्धगया मुक्ति आंदोलन का कार्यक्रम देशव्यापी चला रहे, उसी तरह हमें दीक्षा भूमि मुक्ति आंदोलन भी चलाना होगा। दुश्मन वर्तमान में हमें काउंटर कर रहा है, तो उस प्रेरणा को हमें बचाना होगा। इस बात पर, इस अधिवेशन के मौके पर मैं ये बात आपको बताया। आखिरी एक बात बताकर मेरी बात को मैं विराम देता हूं, वो बात यह है
एक और विषय रखा गया था जिस पर किसी वक्ता ने चर्चा नहीं किया, इसीलिए मुझे संक्षिप्त में उसके ऊपर बोलना है। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का 40 साल से ज्यादा, 1981 में समिति गठित हुई तो 40 साल अभी हो गए 2021, 40 साल से ज्यादा समय हो चुका है, मगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का लिटरेचर अभी तक सरकार ने पूर्णतः प्रकाशित क्यों नहीं किया है? बाबा साहब अंबेडकर अपने साहित्य को लेकर चिंतित थे। मैं आपको उदाहरण देता हूं, किसी के घर में चोरी होती है तो वो सुरक्षा लगता है, ताला लगाता है। बाबा साहब अंबेडकर काठमांडू गए थे तो साथ में बैग भरकर जो लिखी हुई किताबें, जो पब्लिश की हुई नहीं, लिखी हुई किताबें काठमांडू लेकर गए थे। यानी बाबा साहब अंबेडकर को शायद डर था, सविता अंबेडकर उनके नेहरू से जुड़ी हुई थी, शायद यहां से लिटरेचर गायब हो सकता है। यानी बाबा साहब अंबेडकर अपने साहित्य को लेकर कितने संवेदनशील थे। नानक चंद रत्तू ने अपनी याद में लिखा हुआ है कि बाबा साहब अंबेडकर दुखी होकर रो रहे थे, उसमें दुख का कारण यह भी था कि मेरे चले जाने के बाद ये संगठन का नेतृत्व तो कौन करेगा, ये तो कारण था ही, मगर बाबा साहब अंबेडकर कह रहे थे मैंने जो लिटरेचर लिखा है ये प्रकाशित मैं कर पाऊंगा या ना कर पाऊंगा, अगर मेरे चले जाने के बाद कोई प्रकाशित करेगा या नहीं करेगा इसकी भी चिंता होती है, अगर किसी ने प्रकाशित किया तो ब्राह्मण इस पर टूट पड़ेंगे, तो मेरे जैसा उसको युक्तिवाद करने वाला, उसको मुंह तोड़ जवाब देने वाला कोई होगा या नहीं होगा, इसलिए भी मैं चिंतित होता हूं, इसलिए मैं रोता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का लिटरेचर बाबा साहब अंबेडकर के कहने वाले लोगों ने भी नहीं पोजेशन में लिया। सविता अंबेडकर कह रही थी कि बाबा साहब अंबेडकर की प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है क्योंकि मैं उनकी द्वितीय पत्नी हूं, और भैया साहब अंबेडकर को कुछ लोग जो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे, जिसमें दादा साहब गायकवाड़ भी थे, वो भी उनको कह रहे थे कि तुम भी प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करो। खुद इन्होंने कहा है नानक चंद्र रत्तू ने कि किसी ने भी दावा नहीं किया कि बाबा साहब का लिटरेचर भी हमारा है, मैं उनका वारिस हूं तो मेरा है, किसी ने नहीं कहा। विवाद हुआ इसीलिए सारा लिटरेचर बॉम्बे ट्रांसफर किया, बड़े बड़े ट्रंक्स में भरकर, बड़े बड़े लगेज में भरकर बॉम्बे गवर्नमेंट के पास पोजेशन में रखा गया। बाबा साहब अंबेडकर चले जाने के बाद 1956 से लेकर 1981 तक बाबा साहब अंबेडकर के हाथ से लिखा हुआ जो फाइल्स है वो सारा का सारा बॉम्बे में डंप किया गया, एक रूम में रखा गया। नागपुर के कुछ शून्य आदमी वहां गए, देखने गए तो उन्हें जानकारी मिली कि बाबा साहब अंबेडकर के लिटरेचर को, डायरीज को दीमक लग रही है। तो यह खबर नागपुर वालों ने डिस्क्लोज की और नागपुर में एक वकील थे एडवोकेट बंसोड़, जाने माने वकील थे, उस समय अंबेडकरी आंदोलन के नेता थे, इन्होंने हाई कोर्ट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ याचिका दाखिल की कि बाबा साहब अंबेडकर का लिटरेचर पब्लिश करने के लिए आपको किसने रोका है, जो आपके पोजीशन में उनकी वारिसों के पास नहीं है, तो इसके खिलाफ हाई कोर्ट में केस की। एक दिन ऐसी बात आई कि बॉम्बे ऑब्जर्वर नामक अखबार में सविता भाई ने खबर छापी कि मेरे पास रीडर्स इन हिंदुइज्म के 2-4 वैल्यू में मेरे पास है, तो इसको भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया कि अगर लिटरेचर गवर्नमेंट के पास है तो सविता अंबेडकर के पास वो खबर में छपकर आया मेरे पास है, किस दावे से कह रही है? हमारी आशंका है आप लोग उसको लिटरेचर दे रहे हो और वो महिला खत्म कर रही है, ऐसा संगीन आरोप स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर लगाया। नागपुर के लोगों ने आंदोलन किया, नागपुर के लोगों को हम धन्यवाद करना चाहते हैं, उन्होंने आंदोलन किया और परिणाम यह हुआ कि सरकार को मजबूर होकर एक कमेटी का आयोजन करना पड़ा, जिस कमेटी का नाम रखा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस समिति। इसके लिए आपके विदर्भ के ही वसंत मुन साहब को हेड बनाया गया और वसंत मुन ने जितना काम किया उतना काम किसी ने भी नहीं किया, हरिनरके ने भी नहीं किया, दत्ता भगत ने भी नहीं किया, अविनाश डोलस ने भी नहीं किया,
जो काम वसंत मुन ने किया उसका श्रेय लोग लेते रहे। मैंने अभी वसंत मुन साहब की डायरी को हासिल कर लिया है क्योंकि हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो लड़ाई जिन लोगों के साथ है पूरी तैयारी के साथ हम मैदान में उतरे हैं। वसंत मुन साहब ने वो सारी उनके साथ जो व्यवहार किया गया, उनके साथ जो धोखेबाजी की गई, सरकार के लोगों के द्वारा धोखेबाजी की गई, और विदर्भ में ही कुछ ऐसे अंबेडकरवादी लोग हैं जो गद्दार लोग हैं, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का लिटरेचर चोरी किया, अपनी डायरी में मेंशन किया है। जब मेजरान साहब ने पुनः करार धिक्कार कार्यक्रम आयोजित किया था पुणे में, तो विदर्भ का एक एनजी कामले है, वो प्रकाश अंबेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, इन्होंने पुनः करार अधिकार दिवस ऐसे किताब लिखा 400 पन्ने का, और वसंत मुन ने अपनी डायरी में लिखा जो अभी उन्होंने उनके वारिसों ने भी पब्लिश नहीं की है, अब वो हमने हासिल कर ली है, अब हम उसको प्रसिद्ध भी करेंगे। वसंत मुन की जो जानकारी है वो उनकी निजी जानकारी नहीं है, उनको मालूम था कल भविष्य में बाबा साहब अंबेडकर जी के लिटरेचर के साथ धोखेबाजी होगी। अगर बाबा साहब अंबेडकर के लिटरेचर के साथ धोखेबाजी होगी तो हमारे आंदोलन के साथ ये बड़ा षड्यंत्र है। उन्होंने लिख के रखा, एनजी मेश्राम ने किताबें लेके गया, वो जो कामले एनजी कामले लेके गया और मुझे खत लिख के भेजा है कि वो दीमक लगाकर खत्म हो गई है। वो अपनी डायरी में बहुत ही दुख भरे स्वर में लिखते हैं कि क्या दुख की बात है कि मैंने उनको दिया था, उन्होंने मुझे मांगा, और वो जगह जगह घूमकर वो लिटरेचर को इकट्ठा करना चाहते थे और समिति के द्वारा उसको प्रकाशित करना चाहते थे, अब वो कामले ने लिटरेचर गायब किया। दुख भरी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे दुख इस बात का हुआ जो मेरे संग्रह में जो किताबें हैं उसमें कौन सी बातें गायब है कि बाबा साहब अंबेडकर के जो स्पीचेस है अंग्रेजी में वही के वही गायब है। इसलिए साथियों, बाबा साहब अंबेडकर का लिटरेचर प्रकाशित क्यों नहीं कर रहे, ये जानने के लिए वसंत मुन जी ने जो उनके जीवन के अंतिम दिनों में हर दिन का अपना डायरी लिख के रखा, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं मुंबई में जहां पर बाबा साहब अंबेडकर का लिटरेचर को कंपोज करता हूं, प्रूफ रीडिंग करता हूं, मेरे पास बाबा साहब अंबेडकर की फाइलें हैं, तो मंत्रालय में मुझे कितना कमरा दिया है, मुख्यमंत्री महोदय ने, तत्कालीन सरकार ने मुझे 8x8 का कमरा दिया है जिसमें मैं भी नहीं बैठ सकता, जिसमें ऑपरेटर नहीं बैठ सकता, जिसमें बाबा साहब का फाइलिंग नहीं रखा जा सकता। फिर मैंने डिमांड किया तो मुझे 10वीं पास व्यक्ति को दिया गया जो ब्राह्मण के इशारे पर काम ही नहीं करना चाहता था। फिर एक तामे नामक मुझे लड़की मिली जो 12वीं हुई थी और डीएड हुई थी, वो आई, वो अंग्रेजी अच्छा जानती थी मगर न जाने उसके मन में क्या हो गया, वो भी टाइप करना छोड़ दिया। फिर एक आदमी आ गए जो उल्लासपुर से आता था, सर मंत्रालय के पास ही उनका छोटा सा कमरा था, उसने ये शर्त रखी कि मैं लिखित लिटरेचर, बाबा साहब का लिटरेचर जो हाथ से लिखा हुआ है वो भी टाइप नहीं करूंगा, आप डिक्टेट करोगे उतना ही टाइप करूंगा। उन्होंने कहा मैंने धर्माधिकारी अविनाश धर्माधिकारी को लिखा जो मुख्यमंत्री का सेक्रेटरी था, मुझे स्टेनोटाइपिस बदल के दो। वसंत मुन साहब को स्टेनोटाइपिस भी नहीं दिया गया। जब वो वैलूम बनते थे मुख्यमंत्री को सेक्रेटरिएट के द्वारा कहते थे कि 14 अप्रैल आने वाली है इसको प्रकाशित करने के लिए लो, तो मुख्यमंत्री को ये स्पीच लिख कर देते थे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो वो सेक्रेटरी कहता है ब्राह्मण कि आपको जो करना है करो, मेरे तरफ से हाँ है। जब ये प्रपोजल मुख्यमंत्री को भेजते थे तो मुख्यमंत्री उसी सेक्रेटरी को कहता था तुम्हारा इस पर साइन नहीं है, तो वसंत मुन को ब्राह्मण सेक्रेटरीट कहता था जिस मीटिंग में मैं उपस्थित नहीं हूं, तो मैंने कैसे हाँ बोल दिया। यानी वसंत मुंह के मुंह पर बोलना, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं करो। और जब फाइल जाती थी 14 अप्रैल नजदीक आने वाला है, अब कार्यक्रम प्रकाशित करना है, तब आइन वक्त पर वो सेक्रेटरी ब्राह्मण कहता था जिस मीटिंग में मैं मौजूद ही नहीं, मैं कैसे हाँ बोलूंगा, देख मेरे पास क्या, तुम्हारे पास मेरा कोई लिखित डॉक्यूमेंट है क्या। साथियों, इस तरीके से वसंत मुन साहब के कारण हमें बहुत सारी जानकारी मिली है, मगर आपको महाराष्ट्र में हम जानकारी देना चाहते, ये मामला महाराष्ट्र का नहीं है,
बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर विश्व की धरोहर है। जैसे हम बुद्ध की धरोहर बचा रहे, बाबा साहब अम्बेडकर की साहित्य हमारी धरोहर है, इसको बचाना ये महाराष्ट्र के लोगों की जिम्मेदारी है। बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर 22 वैल्यूम में पब्लिश किया, एक वैल्यूम में गलत लिखा, हमने विरोध किया, वो रिजेक्ट हुआ है। हरिहर के दत्ता भगत के द्वारा 22 वैल्यूम प्रकाशित किए गए। खुद हरिहर के कहते थे कि 50 वैल्यूम हो सकते है। वही एनजी कामले बोलता था और वो कसारे एक उसका साथी था, दोनों कहते थे 175 वैल्यूम हो सकते है। कहा गए वो साहित्य, बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर बहुत प्लानिंग के तहत डंपिंग किया जा रहा है, उसको पब्लिश नहीं किया जा रहा है। वसंत मून साहब के समय ही लगभग सभी खंडों का मराठी में अनुवाद किया गया था, वो डायरी पढ़ने के बाद पता चला। यानी अभी तक बाबा साहब अम्बेडकर के अंग्रेजी वैल्यूम से यो करार किया गया बंसोड़ी जी के साथ, उस करार पर बाबा साहब अम्बेडकर के खानदान के प्रकाश अम्बेडकर का हस्ताक्षर है। उसमें कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि जो भी कमाई होगी सरकार को उसकी रॉयल्टी मुझे दिए जाए। अगर उस समय वो करार करते तो इस बात को हम जायज मानते। करार इस बात पर हुआ था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको पब्लिश करे एज इट इज, और जो अंग्रेजी है उसको मराठी में करे, और देश भर की भाषाओं में अनुवाद करने के लिए केंद्र को आग्रह करे। साथियों, आज वर्तमान में केंद्र सरकार ने हिंदी लिटरेचर बंद कर दिया है। गुजरात स्टेट बीजेपी के अंडर है, वहां पर भी उन्होंने उसका रीप्रिंट करना बंद कर दिया है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको प्रकाशित नहीं करना चाहती है। इसलिए बुद्ध की धरोहर बचना जितनी जरूरी है, उसी तरह महामानव बाबा साहब अम्बेडकर का साहित्य भी प्रकाशित होना चाहिए, ये जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लोग भावनावश हो जाते हैं। 2017-18 में खबर आई जनसत्ता में, उस खबर का आशय ये था कि अब बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर कभी प्रकाशित नहीं होगा। खबर में ये लिखा गया है कि जब फडणवीस की गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र में, तो प्रकाश अम्बेडकर जी जो बाबा साहब अम्बेडकर के वर्तमान पोते हैं, इन्होंने चैलेंज किया है कोर्ट में। ये काम उनका है कि समाज को वो बताए। इन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया है, चाहे वो रॉयल्टी के मामले पर हो या किसी मामले पर हो, वो केवल एक खबर आई है। तो बीजेपी के लोगों को बहाना चाहिए था। बीजेपी के लोगों ने ये कह दिया कि प्रकाश अंबेडकर ने स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर के लिटरेचर के कुछ मुद्दों को लेकर चैलेंज किया है, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम साहित्य प्रकाशित नहीं करेंगे। ये फडणवीस के द्वारा कोर्ट में स्टेटमेंट दिया गया है। तो महाराष्ट्र के अंदर हमारे लोगों को यह जानना समझना जरूरी है कि वो लड़ाई लड़ते बाबा साहब अम्बेडकर के खानदान के नाते कि तुम इसको पब्लिश करो तो समाज उसको समर्थन देता, मगर उन्होंने काय के लिए लड़ाई लड़ा, अब ये बात गुलदस्ते में है। मगर सच्चाई ये अभी तक लोगों को मालूम नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट ने किस मामले पर स्टे ऑर्डर किया गया है। इसीलिए महाराष्ट्र के अंबेडकरवादी जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूँ, भगत मत बनो, अन्यायी बनो। बाबा साहब अंबेडकर ने कहीं पर भी नहीं लिखा कि मेरे चले जाने के बाद मेरे खानदान के लोग मूवमेंट चलाएंगे। बुद्धा ने कहीं पर भी नहीं लिखा मेरा लड़का राहुल भिक्षु संघ का अध्यक्ष बनाएगा, कहीं पर नहीं लिखा। हमारे महापुरुषों ने ये विरासत आपको चलाने के लिए दी है। जो लायक है, जो सिद्धांत के प्रति कर्मठ है, इन्होंने आज राष्ट्रव्यापी मूवमेंट खड़ी कर दी है और देश भर में 86 संगठन पैदा कर दिया, उसका संचालन सुचारू रूप से हो रहा है। और कुछ लोगों ने बुद्धिज्म के नाम पर धंधा बनाए रखा था, तो धंधा खत्म करना चाहिए, और बुद्धिज्म के आंदोलन को काउंटर किया जा रहा है। इसलिए हम माननीय वामन मेश्राम साहब के शुक्रगुजार है कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क केवल महाराष्ट्र का नहीं, राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के लिए जो हमें साथ सहयोग दे रहा है। ये बात महाराष्ट्र के अंबेडकरवादी लोगों को जानकारी देना चाहिए, समझाना चाहिए। आज कुछ लोग नाटक कर रहे हैं, एक बात कहकर मेरी बात को खत्म करना चाहता हूं। कुछ लोग नाटक कर रहे कि मेरी भी भारतीय बौद्ध महासभा थी, इसकी भी भारतीय बौद्ध महासभा थी। बाबा साहब अंबेडकर के खानदान के कहने वाले लोगों ने, बाबा साहब अंबेडकर का अंग्रेजी संस्था है, उन्होंने मराठी रूपांतर किया भारतीय बौद्ध महासभा। बॉम्बे चार्टी कमिश्नर के
कारकुन को पैसा दिया, रिश्वत दिया और भारतीय बौद्ध महासभा नाम से संगठन बनाया, फर्जी संगठन बनाया और बॉम्बे चैरिटी कमिश्नर ने उनको दंड दिया कि तुम्हारा ये गलत है। और इधर जो ज्योतिकर थे वो आरएसएस से जुड़े थे, कोरोना की लहर में वो चले गए। जो पीजी ज्योतिकर थे वो चले गए और एक अशोक अंबेडकर के खानदान से राजरत्न अंबेडकर आगे आया और वो वहां गया, लोगों से पैसे लिए और वहां कोर्ट ने पूछा तुम्हारे अंडर ये संस्था है, तुम उसके चेयरमैन हो तो तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट है? उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, उसको धक्के मारकर निकाल दिया गया। उस सुप्रीम कोर्ट में बोल नहीं पाए मगर आम लोगों को गुमराह कर दिया। अभी क्या किया, ज्योतिकर के लोग और भीमराव अंबेडकर के लोग इकट्ठा होने का काम कर रहे हैं, मगर पीजे ज्योतिकर और जिन लोगों ने वहां जाकर साकेत का मामला हम टेकओवर करेंगे, साकेत को बचाएंगे ऐसा जिन्होंने कहा था, हमारी आशंका है कि साकेत पर ब्राह्मणों का कब्जा हो, इसलिए तुम लोगों ने उनके साथ छुपा समझौता किया होगा। और आज तुम समाज इकट्ठा हो रहे हैं, समाज उनको सवाल पूछ रहा है तो एक होने का नाटक कर रहे हैं साथियों, एक होने का नाटक भी कर रहे हैं और समाज को कह रहे हैं जनगणना में महार लिखो। हमें महार बनने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्ध धर्म नहीं दिया था, बाबा साहब अंबेडकर ने उस समय के अनपढ़ लोगों को कहा था हमारा भाकरी पेक्षा इज्जत प्यारी है। हे पहा, मी तुम्हारा जो बुद्ध धर्म देता है त्याचा तुम्ही तंतोतंत पालन करा, नाहीतर जगातले लोक म्हणतील महाराणी बुद्ध धर्म बाटून टाकला। बाबासाहेब आंबेडकर हमसे ये अपेक्षा रख रहे थे, तो हमें बाबासाहेब का रास्ता चुनना है। बाबासाहेब के नाम पर जो गुमराह करे, जो धंधा करे, उनसे भी समाज को बचाना है।